टेक क्रेजी में आप सभी लोगों का स्वागत है। लेके आगे फिर से एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको JTI कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो JTI कंपनी न्यू नोएडा में न्यू प्लांट बैठा है, ठीक है, इस कंपनी का मतलब वीडियो मैं अपने चैनल पे पहले भी बना चुका हूँ। उसमें क्या था कि ये कंपनी मतलब बनकर रेडी नहीं किया गया, मतलब रेडी नहीं हुआ था, लेकिन अभी क्या ये कंपनी कम्प्लीटली मतलब पूरी तरीके से बनकर रेडी हो गया। इस कंपनी में हायरिंग भी कुछ दिनों से कंटिन्यू चल रहा है। अगर आपको इस JTI कंपनी में जॉब चाहिए, अच्छी खासी पोस्ट चाहिए, सैलरी चाहिए, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। क्या क्या जानकारी देने वाला, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ठीक है, ये जो JTI कंपनी है कहाँ, इस कंपनी में काम क्या होता है, ठीक है, इस कंपनी में आपको 8 घंटे की सैलरी क्या दे रही है, कंपनी की और सब कुछ सुविधाएं क्या क्या दी जाती है, ठीक है, इस कंपनी में अगर जॉब चाहिए तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी दिवाली का समय है, ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी में हायरिंग मतलब कंटिन्यू हायरिंग चल रहा है, बहुत सारी कंपनियों में, जैसे कॉल सेंटर हो गया, ओप्पो में भी चल रहा है, वीवो कंपनी में भी चल रहा है, तो सारे कंपनी का वीडियो मतलब बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं क्या किया था, एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया था। उसमें क्या था कि जैसे कुछ दिनों से ओप्पो में भी हायरिंग चल रहा है और वीवो में भी चल रहा है, तो उसका सारा मतलब पोस्ट जो है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे क्रिएट कर मतलब पोस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दे रहा हूँ, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे देखिए, ये मतलब ओप्पो का चला, वीवो का चला, बहुत सारी कंपनी का मतलब हायरिंग मैं आपको रोज़ शाम को अपडेट करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, जो ओप्पो वीवो जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, कॉल सेंटर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी कंपनी है, तो अगर आप इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी JTI कंपनी है कहाँ पे। देखिए ये जो JTI कंपनी है नोएडा फेस टू बाउंड्री के पास में कंपनी, ठीक है, तो आपको कैसे जाना है इस कंपनी के गेट पे मैं आपको पहले बताया था। देखिए अगर आप किसी भी मतलब किसी भी जगह से आ रहे हो, किसी भी स्टेट से आ रहे हो या नोएडा में पहले मतलब पहले से रह रहे हो, तो आपको ऑटो वालों को बोलना है कि मुझे नोएडा बाउंड्री जाना है, ठीक है। आप नोएडा बाउंड्री जैसे जाते हो वहाँ से बस 10 मिनट की दूरी पर यह कंपनी है, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दे रहा हूँ कि आपको कैसे इस कंपनी के गेट पर जाना है, ठीक है। अगर आप किसी भी स्टेट से आ रहे हो तो नोएडा आइए, ठीक है, नोएडा आने के बाद वहाँ से आप किसी भी ऑटो वाले या टेम्पो वाले मतलब किसी को भी बोल सकते हैं कि मुझे नोएडा बाउंड्री जाना है, वहां से 10 मिनट की दूरी पे एक मतलब कंपनी, आप आराम से इस कंपनी के गेट पे पहुंच सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में काम क्या होता है। देखिए इस कंपनी में जो है वीवो का फोन मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जैसे कि न्यू फोन है, तो ये जो JTI कंपनी मतलब वीवो का वेंडर लेती है, ठीक है, जिसमें वीवो का न्यू फोन मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको इंटरव्यू के समय बता दिए जाएंगे, वहां के जो भी लाइन लीडर है वो अच्छे तरीके से आपको गाइड कर देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी आपको 8 घंटे की सैलरी क्या देती है। देखिए सैलरी जाने से पहले आप ये जान लीजिए किन किन लोगों को इस कंपनी में रिक्वायरमेंट है। देखिए इस कंपनी में अगर आप मिनिमम मतलब जो क्वालिफिकेशन जो भी मांगा जाता है, डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, वो 12th पास मांगा जाता है, ठीक है। 10th वालों के लिए इस कंपनी में कोई जॉब मतलब नहीं है, ठीक है, तो अगर आप 12th पास हो तो इस कंपनी में जा सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है, उसके अलावा आपके पास ITI डिप्लोमा, BCom, BSc हो, तो सारे लोगों को इस कंपनी में रिक्वायरमेंट अभी चल रहा है, ठीक है, तो कुछ दिनों से कंटिन्यू चल रहा है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको मतलब हर रोज अपडेट मिलते रहेगा कि JTI कंपनी में जॉब के मतलब जॉब से रिलेटेड आपको या अदर कंपनी के भी जॉब से रिलेटेड आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है। इस कंपनी में भी अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन के भी रिक्वायरमेंट है, तो आप अगर BCom, BSc मतलब जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार कंपनी आपको सैलरी भी लगाती है। जो 12th पास है उनकी सैलरी मैं आपको बता दूँ, जैसे 12th पास वालों की जो सैलरी है वो 11,400 कुछ रुपये आपको 8 घंटे की सैलरी देती है, ठीक है। 12th पास वालों की कंपनी सैलरी दे रही है, और आपके पास ITI तो आपको अलग से दिया जाता है, ठीक है। जैसे मतलब जो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास ITI डिप्लोमा हो, BCom हो, BSc, तो उसका जो भी मतलब सैलरी जो है वो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आपके पास अब फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, तो वो डिपेंड करेगा कि आपके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप बस मैं इतना बताता हूँ कि जो 12th पास है उनकी सैलरी आपको 11,400 समथिंग आपको 8 घंटे की कंपनी सैलरी देगी। उसके अलावा कंपनी की ओर से आपको सुविधाएं के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी में आपको बस की सुविधाएं नहीं है, कैंटीन कंपनी की ओर से फ्री दी जाती है, ठीक है। बस की सुविधाएं कंपनी नहीं है, कंपनी में नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए ये जो कंपनी न्यू मतलब न्यू कंपनी बनकर रेडी हुआ है, तो अभी फिलहाल इस कंपनी में बस की सुविधाएं नहीं है, आगे जाके हो सके तो हो जाए, ठीक है। तो अभी इस कंपनी में बस की सुविधाएं नहीं है, आपको पैदल आना पड़ेगा या पैदल या ऑटो से आकर आप ऑटो से जा सकते हो इस कंपनी। 8 घंटे की सैलरी आपको मैं बता दिया हूँ। इसके अलावा कंपनी आपको ओवर टाइम भी देती है, अगर ओवर टाइम लगाते हो तो आपको 8 घंटे के अलावा ओवर टाइम भी आप लगा सकते हो। फिलहाल इस कंपनी में अभी मतलब काम की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, जिसके कारण हायरिंग भी स्टार्ट हो गया और ओवर टाइम भी 3 घंटा भी कंटिन्यू चल रहा है। इसमें ओवर टाइम की मैं बात कर लूँ तो ओवर टाइम 106 रुपये पर मतलब प्रति आवर आपको दिया जाता है, तो 3 घंटे कंटिन्यू आपको इस कंपनी में ओवर टाइम भी दिया जा रहा है। उसके अलावा कंपनी आपको 500 रुपये अटेंडेंस अवार्ड भी दे रही है, ठीक है। तो अटेंडेंस अवार्ड भी आप इस कंपनी में आराम से मतलब अगर आप कंटिन्यू 26 दिन वर्क करते हो तो आपको अटेंडेंस अवार्ड भी कंपनी देती है। ड्यूटी टाइमिंग की मैं बात करूँ तो सुबह 8:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, उसके अलावा अगर ओवर टाइम कंपनी चलती है तो उसके अनुसार जो भी जितने घंटे चले तो ओवर टाइम भी आपको दिया जाता है, ठीक है।
तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर जाना है, 12th की मार्कशीट लेकर जाना है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। मॉर्निंग 6 से 7 के अंदर आपको कंपनी के गेट पे जाना है। मोबाइल नंबर में आपको वीडियो में तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हर एक समय अलग अलग कॉन्टैक्टर पे मतलब हायरिंग चलता है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इस कंपनी का मोबाइल नंबर भी दिया जाएगा, जब भी हायरिंग चलेगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपके मन में कोई और भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज लिमिट की मैं आपको बात कर लेता हूँ, इस कंपनी में एज लिमिट जो रखा गया 18 से लेकर 28 साल का, अगर आप बीच में हो तो आप इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। तो देखिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी जेटीआई कंपनी में हायरिंग बंद रहता है, ठीक है। तो कभी कभी सिर्फ ओनली गर्ल्स की हायरिंग चलता है, तो कभी कभी ओनली बॉयज लोगों की हायरिंग चलता है, तो कभी कभी दोनों लोगों की हायरिंग चलता है, कभी कभी इंजीनियर लोगों की हायरिंग चलता है, ठीक है। तो कभी कभी बंद रहता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से हायरिंग चल रहा है, आप किसी और कॉन्ट्रैक्टर को कॉल लगा रहे तो वो बोलेंगे हायरिंग नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही मतलब कंपनी के गेट पर मत चले जाइएगा कि हाँ मतलब वीडियो देख के चले जाइएगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके रखें, आपको जैसे नेक्स्ट जैसे आपको अपडेट मिलेगा इस वीडियो के अलावा, आपको जैसे ही मतलब व्हाट्सएप पे मतलब अपलोड करूंगा पोस्ट कि हाँ उसमें डेट देखिए कहाँ इतने तारीख को हायरिंग चल रहा है, तो आप उस हिसाब से आप इस कंपनी में जॉब के लिए जा सकते हो। ऐसे आप डायरेक्ट मत जाइएगा, फिर आप मुझे बाद में बोलिएगा कि वीडियो मतलब हायरिंग नहीं चल रहा है, आप मतलब वीडियो बना दिए हायरिंग तो कुछ चल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर का नंबर नहीं दिया हूँ, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे हर रोज़ अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है। इस कंपनी में नेक्स्ट मतलब जैसे हायरिंग चलता है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। उसके अलावा आपके मन में कोई और भी डाउट है तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।